हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डीएनए स्ट्रक्चर की। हालांकि डीएनए स्ट्रक्चर को हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था और वहां पे हमने बात कर ली थी कि जो डीएनए स्ट्रक्चर थी उस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका कंपोजिशन जो देखा था कि नाइट्रोजन बेसेज हमारे पास प्यूरिन पिरिमिडिन प्रकार के थे। शुगर्स को भी हमने देखा कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए के अंदर राइबोस टाइप की शुगर होती है, और देन आफ्टर जो फॉस्फेट था उस फॉस्फेट को भी हमने डिस्कस किया था। तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डीएनए को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और साथ ही हमने उसको आरएनए की स्ट्रक्चर के साथ में भी कंपेयर उसका हो गया था। तो इसी सीक्वेंस में अब हम आगे बढ़ते हुए आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में हम एक चीज और काउंट कर सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, उन लिविंग बींग्स के अंदर डीएनए की सेवरल फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। कुछ इन विवो सिस्टम्स में भी पाए जाते हैं और कुछ इन विट्रो सिस्टम्स के अंदर मिलने वाली फॉर्म्स होते हैं। तो उन्हीं वेरियस फॉर्म्स ऑफ डीएनए को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो डीएनए जो होता है, नॉर्मली हम जिस डीएनए की बात करते हैं दैट इज ए डबल हेलिकल कन्फर्मेशन। जैसे कि हम बात करें कि कन्फर्मेशन क्या होता होगा, या कन्फर्मेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें कि कन्फर्मेशन हम किसे बोलेंगे, तो कन्फर्मेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर 3D के अंदर या स्पेस के अंदर किस प्रकार से एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि एक्स वाई एंड जो जेड एक्सिस होती हैं उन एक्सिस के ऊपर उसका विन्यास जो रहता है उसे हम कन्फर्मेशन के रूप में काउंट करते हैं। तो हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जो हम जानते हैं कि दैट इज ए पॉलीमर मॉलिक्यूल, के बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जब वो जुड़ते चले जाते हैं तो उनसे एक पर्टिकुलर चैन बन जाती है, और वो जो चैन होती है उसी चैन का एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री चैन जब आकर के दोनों एक साथ पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग करने की वजह से ये एक डबल हेलिकल कन्फर्मेशन बनकर के आता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला फिगर है, इस फिगर के अंदर ये एक हेलिक्स है, जो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि दिस इज द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 3' और 5' इस प्रकार से दिखाया हुआ है। तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जब भी हम बुक्स के अंदर इन डीएनए स्ट्रक्चर्स को देखते हैं या डबल हेलिकल कन्फर्मेशंस को देखते हैं तो हमें दो स्ट्रैंड्स वो दिखाए जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स सिंगल स्ट्रैंड्स जो होते हैं, दोनों अपने आप में सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं। जब वो आपस में आकर के जुड़ जाते हैं, जुड़ने का उनका जो कारण होता है वो होता है कि जो पहला स्ट्रैंड और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर नाइट्रोजन बेसेज हैं, वो नाइट्रोजन बेसेज लगे रहते हैं और नाइट्रोजन बेसेज के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये आपस में जॉइंट हो जाते हैं, यानी कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ में चिपक जाता है और चिपकने पे एक दो स्ट्रैंड से बना हुआ जिसको अपन द्विरज्जुकी बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो स्ट्रक्चर हमारे पास बनकर के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो स्ट्रैंड है वो इस प्रकार से आप काउंट करेंगे और दूसरा स्ट्रैंड है वो आप इस प्रकार से जब भी आप डायग्राम को देखेंगे तो वहां से इनको इस प्रकार से समझेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि अगर हमने इस किनारे को 3' किनारा बताया है तो दूसरा उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि हम उसको यहाँ पे 5' के रूप में डिनोट करेंगे, यानी कि एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भाषा में पोलैरिटी भी बोल सकते हैं कि जो स्ट्रैंड्स हैं उनके पास पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब उनके पास एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है अरेंजमेंट का, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और उस अरेंजमेंट को हम पोलैरिटी के भी, यहाँ 3' से लेकर के इसका आखिरी किनारा है वो 5' होगा, दूसरे का 5' है तो आखिरी किनारा है वो 3' होगा, यानी कि 3 to 5 डायरेक्शन है, ऐसे ही 5 to 3 डायरेक्शन है। तो 5 to 3 बोले या 3 to 5 बोले तो वो दोनों ही चीज पोलैरिटी बताते हैं कि एक किनारा 5' है, दूसरा किनारा 3' है, एक किनारा 3' है, दूसरा किनारा 5' है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि डबल हेलिकल कन्फर्मेशन होता है, दो स्ट्रैंड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन है, बट दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के बिल्कुल से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
यहाँ तो ये इसका पिक्चोरियल डायग्राम जो है 2D डायग्राम के रूप में जो बुक्स में आता है उसको दिखाया गया कि हम किस प्रकार से उसको समझें, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर की कौन कौन से एटम्स हैं वो किस प्रकार से लगे रहते हैं वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गए। तो हम जानते हैं कि फॉस्फरस में प्रेजेंट है, जो शुगर है वो इसमें प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, ऑक्सीजन, ये सारे मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस वगैरह, ये हम इसकी पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि ये सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक दूसरी खास बात ये होती है कि जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, जब ये चिपकते हैं तो इनके चिपकने के कारण से ये बिल्कुल से जैसे सीढ़ी जैसी बनावट होती है वैसी ना होकर के ये एक घुमाव ले लेती है। यानी कि जब दोनों स्ट्रैंड चिपकते हैं तो उन चिपकने से इनके अंदर एक घुमाव, एक रोटेशन क्रिएट होता है, और उस रोटेशन की वजह से सारा जो मॉलिक्यूल है वो हमें घुमावा प्रतीत होता है। तो एक हेलिकल कन्फर्मेशन होता है, यानी कि एक सीधा पट्टी जैसा ना हो करके, लैडर जैसा या सीढ़ी जैसा ना हो करके इसमें घुमाव होता है, और उस घुमाव की वजह से हम इसको एक हेलिकल कन्फर्मेशन के रूप में भी जानते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई कुछ बातों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से क्लियर हो पाएंगी। अगर हम इसी डायग्राम की बात करें तो यहाँ से हम कुछ और चीज़ें भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ये हमें जो डिस्टेंस दे रखी है, दिस इज 0.34 नैनोमीटर, ये डिस्टेंस हमें बता रही है कि जब डीएनए का डबल हेलिकल जो कन्फर्मेशन होता है उसमें अगर हम एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी की अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ एक दूसरे कलर से ड्रा करके आपको समझाता हूँ कि इस स्ट्रैंड में एडेनिन लगा है, इसके सामने वाले में थायमिन लगा है, यहाँ पे एडेनिन लगा है और इसके सामने वाले में थायमिन लगा है। तो एडेनिन और थायमिन का एक पेयर है, पहला पेयर ये हो गया जिसमें एडेनिन और थायमिन है, और दूसरा पेयर यहाँ पे है इसमें भी, यहाँ पे अपने सहूलियत के लिए क्या लिखा हुआ है, एडेनिन और थायमिन ही लिखा हुआ है। तो ये दो पेयर हैं, अकेला एडेनिन बेस कहलाएगा, एडेनिन और थायमिन जब जुड़ जाएंगे तो वो बेस पेयर हो जाएगा। ऐसे एक बेस पेयर एडेनिन थायमिन का है, दूसरा बेस पेयर भी एडेनिन थायमिन का है, यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन भी हो जाता है, कोई भी दूसरा हो सकता था, लेकिन पहला बेस पेयर जैसे द फर्स्ट बेस पेयर, जैसे कि मैं इसको येलो कलर से कर देता हूँ, तो ये पहला बेस पेयर था और इसके बाद में नीचे ये दूसरा बेस पेयर निकालता है। तो दो बेस पेयर के बीच में जो दूरी होती है, पहले और दूसरे बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम याद करें और हमेशा ध्यान रखें कि ये डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में जो गैप होता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर। इसके बाद में दूसरी चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, जैसा कि इस वाले पर दिखा रखता है, दिस वन इज, ये हमें नोट हो रखा है यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर, यानी कि ये जो 0.34 था उसका 10 गुना वैल्यू है। अगर हम इसी डिस्टेंस को 10 से गुना करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ आ जाती है, दिस इज 3.4 नैनोमीटर। तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि जो 0.34 था और जो 3.4 नैनोमीटर दूरी हमें जो बताई गई है इनके बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि 0.34 तो हम समझ गए कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है, लेकिन 3.4 जो उसका 10 गुना है वो कहाँ की दूरी होती है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब हम इस ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, अगर हम इस लाइन से स्टार्ट करते हैं तो इस लाइन से हमारा हेलिक्स घूमना स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए और यहाँ से ये जो हेलिक्स है ये घूमना स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक इसका जो घूमना है वो पूरा 360 डिग्री का हो चुका है। यानी कि जो कंप्लीट एक जो टर्न होता है, कंप्लीट जो घुमाव होगा, इसको डायग्राम से समझाता हूं। अगर हम यहाँ पे देख रहे थे तो ये तो केवल बेस पेयर दूरी थी कि पहले बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में दूरी थी 0.34 नैनोमीटर, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक इन दोनों
पर्पल लाइन के बीच की बात करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो डबल हेलिक्स है ये घूमना चालू हुआ है और घूम करके पूरा यहाँ तक घूम करके आ गया था, यानी कि पूरा जो रोटेशन इसका हुआ था उसमें 360 डिग्री जब ये कवर करता है, पूरा रोटेशन जब ये मॉलिक्यूल कवर करता है, तो वहाँ जो पहला घुमा यानी कि 0 से लेकर के 360 डिग्री पूरा होने तक इसकी जो दूरी आती है दैट इज इसका 10 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 3.4 नैनोमीटर। तो सिंगल बेस पेयर राइट जो होता है, एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर की दूरी वो यहाँ पे है, और पूरा घुमाव जो होता है मॉलिक्यूल का उसके अंदर 10 बेस पेयर आ जाते हैं, क्योंकि 10 गुना दूरी तभी हो सकती है जब इसके अंदर ऐसे 10 भाग हो, यानी कि ये जो हम मॉडल समझ रहे हैं या जिस डायग्राम की सहायता से हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ये एक्चुअल में मोस्टली बुक्स के अंदर या हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो दिया हुआ आता है वो BDNA फॉर्म होती है, जो मोस्टली जो हमारे लिविंग सिस्टम्स हैं, जो चाहे प्लांट्स को ले लें, एनिमल्स को ले लें या बैक्टीरिया को ले लें, और मोस्टली जो सेलुलर कंडीशंस होती है, स्पेसिफिक कंडीशन जो एक्सेप्शनल कंडीशन होती है, जैसे कि हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह होती हैं या कुछ हाइब्रिड प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम उनको छोड़ दें तो नॉर्मली सेल्स के अंदर या सिस्टम्स के अंदर मिलने वाला जो फॉर्म होता है दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज BDNA फॉर्म, और उसी BDNA फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इन दोनों चीजों को समझ रहे हैं कि BDNA के एंगल से देखें तो दो बेस पेयर की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर, जबकि जो पूरा हेलिक्स का रोटेशन है, पूरा जो 10 बेस पेयर से इसका जो रोटेशन कंप्लीट होता है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। अब यहां से एक दूसरी चीज भी आप समझ सकते हैं कि जब दो बेस पेयर के बीच में दूरी जितनी थी उसका 10 गुना काम आता है 360 डिग्री का रोटेशन पूरा करने में, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दो बेस पेयर से जो काम हो रहा है उसी काम को 360 डिग्री के एंगल से अगर हम जस्टिफाई करने की कोशिश करें या इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 360 डिग्री का जो पूरा घुमाव मॉलिक्यूल का आएगा, यहां से यहां तक का जो पूरा घुमाव आएगा उसमें 10 बेस पेयर आ गए हैं, यानी कि 360 डिग्री का रोटेशन कवर कराने में 10 बेस पेयर काम लेते हैं या काम आ जाते हैं। इसका मतलब एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के ऊपर जब ये हेलिक्स घूमता है, क्योंकि यहाँ से घूमना चालू हुआ था और यहाँ से घूम करके यहाँ तक जब घूम रहा है, पूरा जो इसका घुमाव हुआ था उसमें हर एक बार इसने 360 डिग्री का 10वां हिस्सा ये घूम गया होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर एक बेस पेयर के ऊपर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो 36 डिग्री घूम जाता है, यानी कि एक बार 36 घुमा, फिर 36 घुमा, फिर 36 घुमा, ऐसे 10 बार 36 घूमेगा तो 360 डिग्री का जो पूरा रोटेशन है ये हमारा मॉलिक्यूल कवर कर देगा। तो हर एक बेस पेयर के बीच में दूरी दैट इज 0.34 नैनोमीटर, ये तो आप डिस्टेंस वाइज ध्यान रखेंगे, जबकि जब एक बेस पेयर से दूसरे पे जाएंगे तो ये से सीधा तो है नहीं, हर एक बेस पेयर के ऊपर ये घूम रहा है, हर बार 36 डिग्री घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक बेस पेयर के ऊपर जो रोटेशन है दैट रोटेशन इज 360 डिग्री का 10वां ऐसा, यानी कि 36 डिग्री जो होता है 36 डिग्री इसके अंदर रोटेशन हर एक बेस पेयर के वाइज से आ जाता है। तो कुछ बातें थी कि आप इसको जब भी इसका डायग्राम चाहे आप एग्जाम्स के अंदर जब इसका आंसर दे रहे हो मेन एग्जामिनेशन के अंदर या कोई भी ऐसा जहाँ पे आपको लिखना पड़ रहा हो, तो वहाँ पे भी आप इन सारी चीज़ों को समझाएं, और जब आप खुद किसी बुक से पढ़ रहे हो या रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को जरूर से तैयार करेंगे। दूसरी खास चीज़ और आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो दोनों हेलिक्स दिखा रखी हैं उन हेलिक्स के ऊपर ये एरो लगे हैं, एक के ऊपर तीर का निशान नीचे की तरफ है, दूसरे की तरफ तीर का निशान ऊपर की तरफ है, तो ये वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ की थी कि जो एंटी पैरेलल कंडीशन होती है, दिस इज नॉट टू कि दोनों स्ट्रैंड एक ही डायरेक्शन में नहीं आते, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में आकर एक ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन है 5 to 3। आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि चाहे DNA का सिंगल स्ट्रैंड हो, चाहे DNA का डबल स्ट्रैंड हो, चाहे RNA का स्ट्रैंड हो, चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जब भी आपको लिखना हो, जब भी आपको बोलना हो या जब भी आपको उसके बारे में कुछ भी कहना हो, तो हमेशा उसको बताने का एक्सप्रेस करने का एक डेफिनेट तरीका होता है कि हमेशा हम उसको 5' to 3' ही लिखते हैं, 5 to 3 ही हम उसको रीड आउट करते हैं और 5 to 3 ही हम उसको काम में लेते हैं। इट मीन्स एक जो एरो है वो 5 to 3 डायरेक्शन दिखा रखा है, दूसरा एरो भी 5 to 3 डायरेक्शन ही दिखाता है,
लेकिन हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि ये दोनों अपोजिट होते हैं, कि अगर यहाँ पे एक का 3 प्राइम है तो दूसरे का 5 प्राइम होता है, तो एक 5 to 3 है, दूसरा 3 to 5 है। तो दिस दीज जो एरोज, जो एरो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं या बुक्स में जो एरोज आपको मिल सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपस में एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के साथ में ओवररैप्ड रहते हैं, घुमाव के साथ में एक दूसरे के साथ चिपकते हुए घुमाव के साथ में ये अपना एक पर्टिकुलर जो कन्फर्मेशन है उस कन्फर्मेशन के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें यहाँ से समझनी है, और अगर हम इन बातों को देखें तो ये है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म्स, और वेरियस जो डीएनए फॉर्म्स हैं उनके अंदर हम मोस्टली 3 फॉर्म्स की बात करते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, जिनको हम ए डीएनए, बी डीएनए या जेड डीएनए के रूप में भी सिंपली बोल सकते हैं। तो हम ए के पैरामीटर्स क्या होते हैं, बी फॉर्म के पैरामीटर्स क्या होते हैं और जेड फॉर्म के पैरामीटर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को अब हम समझेंगे। तो यहाँ पे ए फॉर्म के लिए है ये सारा, आप देख सकते हैं कि टेबलाइज किया हुआ है, उस टेबल के अंदर ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म को लेकर के जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई हुई है कि आप इस कॉलम में ए को लेंगे, यहाँ पे बी फॉर्म को लेंगे और इधर हमारे पास जो भी पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स दिए हुए, ये सारे के सारे पर्टिकुलर जो भी पैरामीटर्स हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनको हम यहाँ पे 1 by 1 करके डिस्कस भी करेंगे कि ये क्या होते हैं, और कंपेयर भी करेंगे कि तीनों फॉर्म्स के अंदर इनका कंपैरिजन किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल प्रॉपर्टी की। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि पूरा जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल किस प्रकार से दिखता है। तो अगर हम ए फॉर्म को देखें कि ए, बी एंड जेड तीनों फॉर्म को एक साथ अगर हम देख करके, बाहर से देख करके उनको कंपेयर करें, तो ए फॉर्म हमें कैसा मिलेगा, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट का मतलब अगर आपने 100 base pair का डीएनए ले रखा है तो 100 base pair का डीएनए अगर ए फॉर्म में है तो वो शॉर्ट होगा, अगर वो बी फॉर्म में है तो लॉन्गर होगा, और अगर वो जेड फॉर्म में है तो वो इलोंगेटेड होगा, यानी कि और भी लंबा होगा। और जब कोई चीज छोटी होती है, जब शॉर्ट होगा तो डेफिनेटली उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, वो ब्रॉड होगा, लॉन्गर है तो वो थिनर होगा, और ज्यादा लंबा हो गया, इलोंगेटेड हो गया तो वो और भी पतला हो जाएगा, यानी कि वो स्लिम फॉर्म हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम से इसको देख करके आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 फॉर्म्स से डीएनए की, ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म्स हम एक साथ कंपैरिजन के अंदर जो ओवरऑल इनका जो व्यू है उस व्यू के आधार पे अगर हम देखें तो डायरेक्शन तो एरो से दिखा रखे हैं कि डायरेक्शन यहाँ पे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, जबकि यहाँ पर भी एंटी पैरेलल ही है। अगर हम देखें कि ए फॉर्म को, बी फॉर्म को एंड जेड फॉर्म को देखें तो ए फॉर्म की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, ये ब्रॉडर है और ये शॉर्ट है, इसको इसके बराबर इसकी लंबाई बनाने में न्यूक्लियोटाइड जो लगेंगे वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे, शॉर्ट है तो ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड लगेंगे, जबकि उतने ही न्यूक्लियोटाइड का अगर हम बी फॉर्म बनाएं तो वो बड़ा बन जाएगा, और उतने ही न्यूक्लियोटाइड का हम जेड फॉर्म बनाएं तो वो और भी लंबा बन जाएगा, यानी कि ये शॉर्टर फॉर्म, ये लॉन्गर फॉर्म और ये और भी लंबी फॉर्म जो इलोंगेटेड फॉर्म है हम उसके रूप में इसको देखेंगे। जब ये शॉर्टर है तो डेफिनेटली इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, तो ये ब्रॉडर है, चौड़ा है, ये थोड़ा सा पतला हो गया, थिन है, और ये इससे भी पतला हो गया, तो इसको हम एक प्रकार से इससे भी पतला बोलेंगे, तो हम एक स्लिम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हेलिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म में काफी अंतर है कि हम इनको इस प्रकार से बता सकते हैं कि एक शॉर्ट एंड ब्रॉड है, दूसरा लॉन्गर एंड थिनर है, जबकि तीसरा इलोंगेटेड एंड स्लिम है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राइज पर बेस पेयर, इस राइज को आप ऐसे ही समझें कि जैसे हम घरों में सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं, तो हम हर एक बार जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहला पैर नीचे आता है, फिर अगला ऊपर आता है, फिर अगला ऊपर जाता है, इस प्रकार से हम एक एक स्टेप चढ़ते हैं, तो एक स्टेप चढ़ना ही राइज है, कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप, यानी कि एक बेस पैर से दूसरे बेस पैर पे जब हम जाएंगे तो दूरी कितनी कवर हो जाएगी। अगर हम दूरी की बात करें तो
ए फॉर्म में 2.3 एंगस्ट्रॉम है, जबकि बी फॉर्म के अंदर 3.32 एंगस्ट्रॉम। जो पहले पहले वाले पिक्चर में जो आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे 0.34, तो 0.34 एक देखा जाता है कि नॉर्मल साइंस में हम जनरली जो बोल देते हैं वो पैरामीटर है, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं लाइफ साइंस के जुड़े हुए बहुत अच्छे क्वेश्चंस या बहुत अच्छा जो डीपनेस के साथ में जो अब आपको आंसर देना होता है, तो वहाँ पे हम 0.34 को टिक नहीं करेंगे। वहाँ पे हम क्या टिक करने वाले हैं, हम 3.32 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये एंगस्ट्रॉम है, इसको हम नैनोमीटर में बदलेंगे। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो 10^-10 का एक वैल्यू है, जबकि नैनोमीटर 10^-9 में होता है। तो ये हमारा जो पैरामीटर है जो 3.34 है, ये कन्वर्ट होकर के कहाँ चला जाएगा, 0.33। तो अगर आप नैनोमीटर के अकॉर्डिंग याद करते हैं तो आप इसको 0.33 के रूप में याद करेंगे। और इसके बाद में इसमें डेविएशन भी हो सकता है, दिस इज द प्लस माइनस डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए प्लस माइनस की जो एक्चुअल जो बेस पेयर, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहां पे जो एक के अंदर वैल्यू है वो 2.3 एंगस्ट्रॉम, जबकि यानी कि उसको आप 0.23 नैनोमीटर बोल सकते हैं, दिस इज 0.33 नैनोमीटर। और उसके बाद में यहाँ पे प्लस माइनस जो लगा हुआ है इसका मतलब इसमें वेरिएशन हो सकता है, जिसमें थोड़ा बहुत ये कोई ये जो मॉलिक्यूल, हालांकि हम उसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं लेकिन दीज आर बायो मॉलिक्यूल्स, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें इनमें इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का कहने का मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो भी सराउंडिंग कंडीशंस होती हैं, चाहे वो पीएच को लेकर के हो, टेम्परेचर को लेकर के हो, आयनिक स्ट्रेंथ को लेकर के हो, उन सारी चीज़ों से इनके पैरामीटर्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये उनको रिस्पॉन्स देते हैं, जैसा पूरा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देता है वैसे ये बायो मॉलिक्यूल्स भी सराउंडिंग के अंदर जो भी सेलुलर कंडीशंस होती हैं उनको रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम 0.34 के एंगल से भी कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन वहाँ पे जब एक सिंपल लेवल की बातें होती हैं तब हम 0.34 अप्लाई करते हैं, अदरवाइज 0.33 या 3.32 एंगस्ट्रॉम है उसको याद रखेंगे। और ये भी फिर फ्लक्चुएट करता है, जैसे 0.19 एंगस्ट्रॉम इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इनको ध्यान रखेंगे। जबकि अगर हम जेड फॉर्म में चले जाएं तो ये वैल्यू है वो 3.8 एंगस्ट्रॉम के रूप में हमें तैयार करनी होती है। तो ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म के अंदर एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के ऊपर जब हम जाएं तो दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस आती है दैट इज द राइज पर बेस पेयर, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के ऊपर राइज हमें इस प्रकार से मिलेगा। इसके बाद में अगले पैरामीटर को अगर हम देखें तो दिस इज द हेलिक्स पैकिंग डायमीटर। तो हेलिक्स पैकिंग डायमीटर की बात करें तो दिस इज 25.5 एंगस्ट्रॉम ए फॉर्म के लिए, बी फॉर्म के लिए ये 23.7 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि ये जो जेड फॉर्म है उसके लिए 18.4 एंगस्ट्रॉम रह जाएगा। इसके बाद में रोटेशन को लेकर के कुछ बातें हैं कि जब घुमाव होता है तो घुमाव से जुड़ा हुआ जो रोटेशन है कि बेस पेयर पर हेलिक्स रिपीट कि एक रिपीट के अंदर बेस पेयर पर हेलिक्स रिपीट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1, 1 एंड 2, ये जो 2 वाला जो फॉर्म है कि हम यहाँ पे 2 क्यों लेते हैं, ये जब हम जेड डीएनए के स्ट्रक्चर को अलग से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड का जो दो न्यूक्लियोटाइड का जो पैर होता है उसको हम रिपीटिंग यूनिट के रूप में लेते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें जुड़ जाती हैं। और इसके बाद हम बात करें कि पर टर्न कितने बेस पेयर आ जाते हैं, तो पर टर्म कितने बेस पेयर आ जाते हैं, बी डीएनए में तो हमने उस स्ट्रक्चर में देख लिया था कि 10 बेस पेयर आ जाते हैं, जबकि ए वाले के अंदर लगभग 11 आ जाते हैं और जेड वाले के अंदर 12 आ जाते हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मीन रोटेशन जो होता है पर बेस पेयर कितना घुमाव आ जाता है, मीन जो वैल्यू होती है वो 33.9 जो अभी हमने बात की थी कि जो 36 डिग्री होता है वो प्रॉपर 36 ना होकर के 35.9 डिग्री और प्लस माइनस 4.2 डिग्री है वो रह सकता है, ये रहता है, जबकि जो जेड फॉर्म है उसके लिए वैल्यू है वो -60 डिग्री पर टू, पर टू का मतलब जो जो न्यूक्लियोटाइड पेयर होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपने यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद में जो वर्ड दिया हुआ है पिच, इस पिच को भी हम उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा था
तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया था, इस भाग को हम पिच भी बोल सकते हैं कि घुमाव जहाँ से स्टार्ट हुआ, घुमाव जहाँ पे पूरा हुआ, उस पूरे घुमाव के एरिया को हम पिच भी बोल सकते हैं। तो पिच की अगर हम बात करें तो ये जो आपका ए फॉर्म है वहाँ पे 24.6 एंगस्ट्रॉम, जबकि ए के अंदर ही डी के अंदर जो 33.2 एंगस्ट्रॉम है, इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही वैल्यू आ जाएगी 3.32, जबकि वहाँ पे हमने 3.4 बोला था। तो वो वेरिएशन हमने जो जो नॉर्मल वैल्यूज और जो एग्जैक्ट वैल्यूज होते हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो आप दोनों को ही ध्यान रखेंगे, और जेड फॉर्म के अंदर ये वैल्यू होती है 45.6 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में हम एक दूसरी बात करते हैं कि बेस पेयर टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ, झुकाव जो होता है कि जो घुमाव होगा उस घुमाव के अंदर ये जो जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होते हैं वो सीधे ना लगे रहते, उनके थोड़े से झुकाव के साथ में होते हैं, उस झुकाव को हम बोलते हैं टिल्ट। और टिल्ट फ्रॉम द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उस परपेंडिकुलर एक्सिस से इनका टिल्ट कितना होता है, अगर हम उस टिल्ट की बात करें तो ए फॉर्म के अंदर +90 डिग्री, बी फॉर्म के अंदर -1.2 डिग्री, और जेड फॉर्म के अंदर ये -9 डिग्री टिल्ट होता है। इसके बाद में ऐसे ही एक स्पेसिफिक फीचर प्रोपेलर ट्विस्ट होती है। हालांकि प्रोपेलर ट्विस्ट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि प्रोपेलर ट्विस्ट को हमें समझना होता है। प्रोपेलर ट्विस्ट को आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि जो प्रोपेलर ट्विस्ट है वो एक प्रकार से जब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ में बेस पेयरिंग करता है तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पेयरिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि जैसा कि ये जब डबल स्ट्रैंडेड कन्फर्मेशन आता है तो दोनों स्ट्रैंड आपस में चिपकते हैं, और चिपकने के लिए जो ग्लू है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही दोनों स्ट्रैंड चिपकते हैं। तो जो चिपकने का काम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा की जाए, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए और साथ में ही जो जो दूसरी चीज़ जो होती है जो डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए काम करती है, दैट इज द स्टैकिंग इंट्रैक्शन। स्टैकिंग इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो नाइट्रोजन बेसिस के पहले बेस पेयर के अंदर जो नाइट्रोजन बेस आते हैं और दूसरे बेस पेयर के अंदर जो नाइट्रोजन बेस आते हैं, दोनों बेसिस के बीच में स्टैकिंग इंट्रैक्शन, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टैकिंग होती है, उन स्टैकिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए जो प्रोपेलर ट्विस्ट है वो इनमें पाई जाती है, जो एक अलग से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। तो बेस्ट पेयर मेन प्रोपेलर ट्विस्ट पे अगर हम जाएँ तो ए फॉर्म के अंदर इसकी वैल्यू 18 डिग्री, बी फॉर्म के अंदर +16 डिग्री, और जेड फॉर्म में लगभग ये 0 डिग्री होती है। इसके बाद में हेलिक्स एक्सिस रोटेशन, हेलिक्स एक्सिस लोकेशन की बात करें तो मेजर ग्रुप यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पे थ्रो बेस पेयर से हमें मिलेगा मेजर जो एक्सिस है, और यहाँ पे माइनर ग्रुप्स के रूप में हम इसको समझेंगे। ये एक्चुअल में क्या है कि हेलिक्स एक्सिस का मतलब ऐसा है कि जैसे हम इस फिगर से देखें तो यहाँ हमें जो फिगर दिखा रखा है, ये जो आपके पास फिगर आ रखा है, ये एक्चुअल में दो स्ट्रैंड आपस में चिपक करके ऐसा हो रखा है। इसका कोई ना कोई एक्सिस है, यानी कि इसका सेंट्रल एक्सिस होता है, कोई कोई एक हाइपोथेटिकल एक्सिस है, हालांकि ऐसा कुछ एक्सिस है नहीं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एक्सिस मान सकते हैं जिसके चारों तरफ ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो उस एक्सिस की बात की जा रही है। तो उस एक्सिस को अगर हम ए फॉर्म में देखें तो वो मेजर ग्रुप से होकर के होती है, बी फॉर्म में देखें तो वो बेस पेयर से होकर के होती है, और सी फॉर्म में वो माइनर ग्रुप से होकर के होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम मेजर ग्रुप की प्रॉपर्टीज पे जाएं तो ए फॉर्म में ये एक्सट्रीमली नैरो बट वेरी डीप, और जबकि बी फॉर्म के अंदर ये क्या हो जाएगी, नैरो की तुलना में कैसी है, वाइड, कि जो मेजर ग्रुप है वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं, उनकी गहराई कम हो जाती है, इंटरमीडिएट डेप्थ हो जाती है, और जेड फॉर्म के अंदर जाते जाते तो लगभग जो मेजर ग्रुप है वो लगभग खत्म सी हो जाते हैं, उनके फ्लैट हो जाते हैं ऑन द सरफेस स्ट्रक्चर। तो दिस इज द कंडीशन, ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं दिस इज द मेजर ग्रुप। लगभग यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अब फ्लैट हो जाती है, तो जो ग्रू का मतलब खांच होता है,
तो तीनों मॉलिक्यूल के अंदर मेजर ग्रुप को लेकर के भी काफी सारा डिफरेंस है कि तीनों के अंदर हम जो ग्रुप्स है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं कि ए में मेजर ग्रुप है वो नैरो लेकिन डीप होता है, जबकि बी के अंदर ये वाइड जबकि गहराई कम वाला, जबकि जेड फॉर्म के अंदर लगभग ये फ्लैट हो जाता है और सतह तक ही सीमित होता है, यानी कि गहराई और भी कम हो जाती है। जबकि दूसरा जो ग्रुप होता है उसको अपन माइनर ग्रुप बोलते हैं, वो वेरी ब्रॉड, एक ही बात करें तो वेरी ब्रॉड लेकिन उसका गहराई कम होने पे उसको सैलो बोल सकते हैं, सैलो जो छिछला होता है ऊपर ऊपर का होता है उसको सैलो बोलते हैं। जबकि बी में ये नैरो हो जाएगा और इंटरमीडिएट डेप्थ वाला, जबकि जेड फॉर्म के अंदर एक्सट्रीमली नैरो लेकिन वेरी डीप हो जाता है। एक तो आपने यहाँ पे मेजर ग्रुप की बात की थी, मेजर ग्रुप के बाद में एक छोटा खास यहाँ पे कोर है, इसको हम माइनर ग्रुप बोल सकते हैं, कि जो मेजर ग्रुप है ऐसे इनके बीच में यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। तो मेजर ग्रुप को लेकर के भी वेरिएशन है और माइनर ग्रुप को लेकर के भी वेरिएशन है। मेजर ग्रुप के साथ में माइनर ग्रुप का लगभग जो रिलेशन है वो रिवर्स जैसा रहता है। जैसे हम ए को देखें तो यहाँ पे मेजर ग्रुप एक्सट्रीमली नैरो है, जबकि यहाँ पे हम देखें तो ये शैलो हो गया। मेजर ग्रुप यहाँ पे वाइड है तो लगभग यहाँ पे नैरो हो गया, और यहाँ पे फ्लैट है सतह पे है जबकि बहुत गहरा और संकरा हो गया। तो दोनों एक दूसरे के लगभग रिवर्स जैसे हैं। मेजर ग्रुप कुछ ऐसा है कि जैसे रस्सी है, आपके पास दो रस्सियों को लपेट करके आपने रस्सा बना दिया, तो उसमें आप जब घुमाव को खोलेंगे उसको घुमाव को बढ़ाएंगे तो कुछ खुलेगा, तो दूसरे भाग में दूसरे उसका जो काउंटर पार्ट होता है उसके अंदर उसका रिवर्स इफेक्ट है वो आता रहता है। तो एक प्रकार का कुंडलन है और उस कुंडलन की वजह से इस प्रकार के जो इसमें जो खांचे बनते हैं उन खांचों का आपस में इंटरवेंशन भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद में एक होता है कि जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जो होता है, जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो होता है, उस लिंकेज की अगर हम बात करें तो ए फॉर्म के अंदर ये एंटी है, बी फॉर्म के अंदर भी ये एंटी है, और जो जेड फॉर्म होते हैं उसमें जो साइटोसिन वाला है वहाँ पे ये एंटी होता है, जबकि ग्वानिन वाले केस के अंदर ये सिंक कन्फर्मेशन के अंदर होता है। अगर हम इन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कन्फर्मेशन के एंटी और सिंक को समझें तो इनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे हम एंटी और सिंक को इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा ये नाइट्रोजन ये शुगर था, और शुगर के साथ में ये हमारा जो बेस है, ये यहाँ पे बेस दिखा रखा है, ये बेस इस बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यहाँ पर भी ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखा रखा है। तो यहाँ जो यहाँ पे जो बेस है उस बेस को अगर इससे कंपेयर करते हैं, अगर इनको कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ इसका जस्ट रिवर्स होता है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जैसे यहाँ यहाँ वाला जो कंडीशन है ये इस बॉन्ड के ऊपर रोटेट हो रखा है, ये रोटेट होकर के इस प्रकार से गया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रोटेट होकर के इस प्रकार से कि दोनों एक दूसरे के रोटेट ये वाला बॉन्ड रोटेट हुआ, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में तभी कन्वर्ट हो सकती है जब ये वाला बॉन्ड घूम गया हो, और यही बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो अगर ऐसा कन्फर्मेशन है तो हम उसको बोलते हैं एंटी, और ऐसा है तो हम उसको बोलते हैं सिंक कन्फर्मेशन। तो जो एंटी एंड सिंक कन्फर्मेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो ए एंड बी फॉर्म है उनमें एंटी होते हैं, जबकि जो सिंक कन्फर्मेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि केवल जो जेड डीएनए होता है उस जेड डीएनए में जो ग्वानिन वाला जो कन्फर्मेशन है वो केवल सिंक होता है, बाकी सभी केस होते हैं एंटी होते हैं। तो ये कुछ कंपैरेटिव पैरामीटर्स हमने देखे थे कि हेलिक्स के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स को लेकर के हम ए फॉर्म बी फॉर्म और जेड फॉर्म को कंपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहती है, उसके बाद में जो पर्टिकुलर जो वो जो इश्यूज थे वो सारे इश्यूज भी आपको तैयार करने होते हैं, और इस टेबल के अंदर मोस्टली जो बातें डिस्कस की गई थी ये सारी बातें भी आपको तैयार करनी होती हैं। और इस टॉपिक का जो सिग्निफिकेंस है इसकी अगर हम बात करें तो मेन एग्जाम्स के अंदर तो काफ़ी जो बड़े क्वेश्चन हैं वहाँ पर डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ऐसे बीएससी क्लासेज हो या एमएससी क्लासेज हो, उन सब में इनको ऐसे तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं
इन वैल्यूज को जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी बार पूछा जाता है, चाहे वो छोटे लेवल की एग्जाम्स हो या काफ़ी अच्छे लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं, चाहे कि वो MSc एंट्रेंस वाली हो या PhD एंट्रेंस वाली हो, या इसके अलावा जो नेट GRF के एग्जामिनेशन हैं या जो GATE वगैरह की या DBT GRF जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, सभी जगह पे ऑलमोस्ट उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जो बातें तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनको पर्टिकुलर फॉर्म वाइज याद करना और उनको तैयार करना ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बन जाता है। तो आई होप इस वीडियो में हमने जो भी बातें की थी वो आपको क्लियर समझ में आई होंगी, और आप इनको रिपीट करके, वीडियो को रिपीट करके आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसको भी आप हेल्प में लेंगे, और सारों को मिला करके आप एक काफ़ी अच्छा जो अपना पर्टिकुलर जो नोट है वो तैयार करेंगे, अपने जो नोट्स हैं उनको तैयार करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इश्यूज हैं उनको सिंप्लीफाइड करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी और काफ़ी डेप्थ के साथ में और काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ आप इनको समझ पाए होंगे। तो ओके देन, थैंक यू सो मच। Thank you so much.